How are these small businesses making more than 10 lakhs per month? Is it possible even? Yes, it is. Hey guys, welcome back to my channel. और आज के इस वीडियो में कुछ थोड़ा नया होने वाला है जो कि अभी तक YouTube पर नहीं हुआ है. Of course, मैंने तो कभी नहीं देखा YouTube पर, क्योंकि आज हम करने वाले हैं business page analysis. और मैं ऐसे ही normal business page analysis की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन small businesses की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपना business start किया है from their hobby and their passion. क्योंकि as you already know, मैंने भी अपना एक small business start किया Instagram पर, जिसका नाम है thecreativecloset.com. और मेरे ही जैसे ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है, बट वो स्मॉल नहीं रह गया है, वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस आज के टाइम में बन चुका है. सो ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम बिजनेस पेजेस मैं काफ़ी दिनों से उन सबको फॉलो कर रही थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये जानने के पीछे कि वो भी कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया. क्योंकि गाइस, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सभी के पास कोई ना कोई ऐसी हॉबीज़ होती हैं, बट हमें नहीं पता होता है कि हम उसे बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या उसे पैसे कैसे कमा सकते हैं. बट गाइज, आपको बिलीव नहीं होगा, ऐसे हज़ारों लोग ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर हैं या फिर अपने खुद की वेबसाइट से वो आज के टाइम में बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं थ्रू फॉलोइंग देयर पैशन. सो आई एम श्योर आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस वीडियो के लिए. सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो गाइस, क्योंकि अगर आपके पास कोई हॉबी है, अगर आप उसे बिजनेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो गाइस, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि आगे इस वीडियो में क्या होने वाला है, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप इस वीडियो को पूरा आराम से देखते रहना. तो काफ़ी दिनों से मैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारे बिजनेस पेज को फॉलो कर रही थी और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगते थे, तो मैंने उसमें बहुत सारे बिजनेस पेजेस को सिलेक्ट करके रखा हुआ है. और उन्हीं बिजनेस पेज को आज हम एनालाइज करेंगे कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उनकी इनकम इस समय क्या है, उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स कितने में सेल कर रहे हैं. तो ये वीडियो उन्हीं 4-5 क्वेश्चंस पर होने वाली है, और मैंने लगभग 8-10 पेजेस सिलेक्ट करके रखे हुए हैं. तो एक एक करके हम उन सारे बिजनेस पेजेस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वो आज के टाइम में कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं. और गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो बिल्कुल ही परफेक्ट डेटा नहीं है, बिकॉज हम उसे एनालाइज कर रहे हैं तो हम उसे एजम्पशन पर ही एनालाइज करेंगे. आज के टाइम में वो बिजनेस जितना भी कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा, मैं आपको जो भी बताऊँगी वो उससे ज़्यादा या कम हो सकता है. ऑब्वियसली आप उसे परफेक्ट डेटा मत समझना, क्योंकि ये सिर्फ एक अजम्पशन है कि वो आज के टाइम में कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं. और इनके प्रॉफिट का अजम्पशन मैं इस बेसिस पर लगा रही हूँ क्योंकि मैंने शार्क टैंक में बहुत सारे बिजनेस को देखा था, तो उनके भी इंस्टाग्राम बिजनेस पेजेस पर बहुत सारे फॉलोअर्स थे. फॉर एग्जाम्पल, शार्क टैंक पर एक बिजनेस आया था जिसका मैंने इंस्टाग्राम पेज चेक किया था, तो उसके अराउंड 50K फॉलोअर्स हैं, और वो आज के टाइम में उसने बताया था कि वो अराउंड 2-3 लाख का बिजनेस कर रही है. तो अगर उसके 50K फॉलोअर्स हैं और आज के टाइम में वो 2-3 लाख का बिजनेस कर रहा है या कर रही है, तो उसी डेटा से हम अज्यूम करेंगे कि जो मैं बिजनेस पेज आपको दिखाने वाली हूँ, अगर किसी के 100K फॉलोअर्स है तो वो आज के टाइम में कितना बिजनेस कर रहा है. तो गाइस, मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलती हूँ और फिर हम देखते हैं एक एक करके वो सारे बिजनेस पेजेस. तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हूँ और अभी मैं खोलने वाली हूँ एक एक करके बिजनेस पेजेस इंस्टाग्राम पर, और फिर हम एनालाइज करेंगे कि उनके क्या क्या चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं. सो चलिए पहला पेज देखते हैं, जो कि अभी मेरा करंट फेवरेट है, जो कि है माइशा बाय ईशा. ये बेसिकली हैंड बैग्स बेचते हैं ये लोग, और ये जो लेडी है, ये जो आपको दिख रही है, यही इसकी ओनर है. तो अभी मेरा ये करंट फेवरेट है एक्चुअली, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इसी को मैंने चुना. तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका बिज़नेस क्या है. इनका बिज़नेस बेसिकली हैंड बैग्स है, जो कि लेडीज़ हैंड बैग्स ये लोग सेल करते हैं, और ये आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं. आप इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं, इनकी प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रही है, और इंस्टाग्राम पे अगर आप बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें डालते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट होता है उसमें. और इनके अभी करेंटली 200K फॉलोअर्स हैं. तो इनकी वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट कैसा है और उनकी एवरेज कॉस्टिंग कितनी आती है. तो इनकी वेबसाइट को खोल लेते हैं और इनकी वेबसाइट पर हम लोग चेक करते हैं कि इनका एवरेज प्राइस क्या है. लोड हो रही है वेबसाइट. ओके, सो ये वेबसाइट खुल चुकी है और आप देख सकते हैं कि इनका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एवरेज मिडिल क्लास लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं. इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, 2000-3000 ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं इनके. तो अगर मैं मान लूँ कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ऑन एन एवरेज उनका प्राइस है 2000 रुपये, और इनके फॉलोअर्स अगर 200K से ऊपर हैं, मैंने देखा था 50K वाली जो ओनर थी उसका, वो भी 2 से 3 लाख रुपए कमा रही थी,
तो अगर इनका 200K है तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ उनका एवरेज प्राइस जो है वो 2,000 रुपये है, तो ऑब्वियसली ये अराउंड 10 से 20 लाख का बिजनेस इस टाइम पे कर रहे हैं थ्रू जस्ट इंस्टाग्राम। और गाइज ये ज़्यादा कम हो सकता है बिकॉज ये डिपेंड करता है कि मैं नहीं जानती कि इनके फॉलोअर्स ओरिजिनल हैं या नहीं, इन्होंने कितने बॉट्स फॉलोअर्स रखे हुए हैं, तो ये सब भी डिपेंड करता है। फिलहाल मैं यही मानूंगी कि ये 10 लाख रुपये, एटलीस्ट ये 10 लाख रुपये तो कर रहे हैं, इससे कम तो नहीं कर रहे हैं। सो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मैंने क्राफ्ट बाजार का नाम पहले भी बहुत बार सुना है बट मैं इनका पेज कभी नहीं देखा था, तो अभी मैंने देख रही हूँ, अभी मैं देख रही हूँ इनका इंस्टाग्राम पेज और देखते हैं कि ये लोग क्या सेल करते हैं। तो क्राफ्ट बाजार में सबसे पहले इनके फॉलोअर्स हैं 120K और ये लोग बेसिकली हैंडमेड चीज़ें आई थिंक सेल करते हैं और ये लोग शायद कस्टम भी चीज़ें करते हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर लोगों के नेम्स लिखे हुए हैं, तो ये बेसिकली होम डेकोर की चीज़ें आई थिंक सेल कर रहे हैं। और इनके रील्स पर हम जाकर चेक करते हैं अगर, तो इनके रील्स पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक है, अच्छा खासा व्यूज़ हैं, 100K, 85K व्यूज़ हैं, 60K, 20K, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब इंगेजमेंट है इनका। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि इनके जितने ही फॉलोअर्स हैं वो ओरिजिनल हैं। और इनका प्रोडक्ट क्या है एक बार इनकी वेबसाइट पर चेक कर ले, तो हाँ ये इनकी वेबसाइट खुल चुकी है और अब हम देख सकते हैं कि इनके जो एवरेज प्राइस हैं, ये जो भी होम डेकोर की चीज़ें ये लोग सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, तो ये लोग जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनका प्राइस है 1699, 1999। ओके, सो इनका एवरेज प्राइस मैं मान लेती हूँ कि अराउंड 1500 है इनका एवरेज प्राइस और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो 120 के हैं, तो इनका जो फॉलोअर बेस है उसे देख के ये लग रहा है कि ये भी एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ पर मंथ तो कमा रहे होंगे। और जो मैंने पिछला वाला बताया था, मुझे इनको देख के लग रहा है कि नहीं, उनका एटलीस्ट 20 लाख रुपये पर मंथ तो होगा ही, 10 लाख मैंने कम बताया होगा और मुझे लगता है 20 लाख रुपये मायशा बायशा का ज़रूर होगा। उसके बाद अगर मैं क्राफ्ट बाजार की बात करूँ तो इनका एटलीस्ट 10 लाख पर मंथ ज़रूर होगा अगर इनके रेगुलर कस्टमर बने हुए हैं तो। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वेबसाइट खोलते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है क्राफ्टिंग टेल और ये भी बेसिकली क्राफ्ट से ही रिलेटेड है क्योंकि इंस्टाग्राम पर अगर आप देखते हो गाइस तो आपको काफ़ी सारे बिजनेस जो हैं वो हॉबीज़ पर बेस्ड मिलेंगे और होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी क्योंकि ज़्यादातर क्राफ्ट वाली चीज़ें उसी में बनती हैं होम डेकोर की। और गाइस मैं आपको एक और डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये सारे जो बिजनेसेस हैं वो सारे वुमेन ओन बिजनेसेस हैं, जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं हम उन्हीं की बात करें बिकॉज मैं भी वुमेन एंटरप्रेन्योर ही हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैंने देखा बट मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मिला नहीं इंस्टाग्राम पर जो कि ओनर हो, जो कि किसका मेल ओनर हो। तो इनके पेज पर अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इनके इंगेजमेंट कितना है। तो इनके 222K फॉलोअर्स हैं अभी तक के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इनका एवरेज जो है वो 72K, 47, 125, तो अराउंड 50K मैं मान लूँ, 50K व्यूज़ इनके आ रहे हैं रील्स पर, तो अच्छा खासा इंगेजमेंट है और मैं मान के चल रही हूँ कि इनके ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं। अब इनकी वेबसाइट पर चल के देखते हैं कि इनके एवरेज प्रोडक्ट्स कितने के हैं, फिर हम इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इनका बिज़नेस कितना अच्छा हो रहा है। तो इनके प्रोडक्ट्स का प्राइस मुझे दिख रहा है, ओह माय गॉड, मतलब प्रोडक्ट्स के प्राइसेस तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं, 6,000, 5,000, 3,500, 7,000, ओके 4,000, 5,000, 3,500, तो मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है इस टाइम पर, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। बट हाँ प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं क्योंकि ये थोड़ा हैंडमेड है, तो फिर हैंडमेड की चीज़ें ऑब्वियसली आपको थोड़ी महंगी मिलती ही हैं और इनका हैंडमेड बिजनेस है, तो अगर ये इनके 222K फॉलोअर्स हैं और उनका अगर कस्टमर बेस भी अच्छा है, फॉलोअर बेस अच्छा है, अच्छी इंगेजमेंट है, तो ये आज के टाइम में कम से कम 30 लाख का बिज़नेस तो कर रहे हैं। 30 लाख का बिज़नेस पर मंथ इज़ लाइक, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ड्रीम ही है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज जो कि है कैट्स एंड बोस, और अगर आप इस अकाउंट को देखते हो गाइस तो आपको ये अकाउंट जो है, मैं आपको इस अकाउंट के बारे में बताती हूँ, इन्होंने स्टार्ट किया था 2015 में, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना मतलब इनका अकाउंट है और ये बेसिकली सेल करते हैं बोस, जिसे हम मतलब जो आपने देखा होगा क्लिप वगैरह होती है, तो ये बेसिकली उनका बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है। फिर इनकी वेबसाइट देखते हैं, पहले इनकी रील्स में देखती हूँ कि रील्स पे कितना इंगेजमेंट है, उससे पता चलेगा कि फॉलोअर बेस कितना अच्छा है, 26K, 46K, 39K, इंगेजमेंट भी एवरेज है, ठीक है,
एक वीडियो पे मैं देख रही हूँ मिलियन में भी व्यूज हैं, तो इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इनका, 111K फॉलोअर्स हैं इनके। और इनकी वेबसाइट अगर हम चेक करें तो इनकी वेबसाइट पर अगर हम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस चेक करें तो 600 की इयरिंग्स मिल रही हैं यहाँ पर। और जो इनका मेन जो USP है वो ये है कि इनके बोस, क्योंकि इनके बोस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये बहुत ही पुराने ब्रांड भी हैं। तो चलिए हम इस पर जाकर देखते हैं कि इनके प्राइसेस कैसे हैं। वेबसाइट लोड हो रही है अभी। ओके, सो ये वेबसाइट खुल चुकी है और या हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 350 है प्राइस, मतलब सबके 350 है। ओके, सो मैंने अभी इससे ज़्यादा प्राइस भी देखा था, अभी कहीं 500 भी देखा था किसी प्रोडक्ट पे। तो मैं मान लेती हूँ कि इनका ऑन एन एवरेज 500 का अगर कॉस्टिंग है और इनके फॉलोअर्स अगर हैं 100K से ऊपर हैं, तो मैं मान के चलती हूँ कि एटलीस्ट ये 8-10 लाख के बीच में इनका बिज़नेस चल रहा है। और इनका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा पुराना भी है तो ये उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इन्होंने 2014-15 में स्टार्ट किया था, तो बहुत ही ज़्यादा पुराना बिज़नेस भी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है लोग कितने ज़्यादा खरीदते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट बिज़नेस पर चलते हैं। और गाइज, मैं भूल गई थी, मैं ये आपको दिखाना भूल गई थी कि ये बिज़नेस, मतलब ये जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं वो कितने ज़्यादा पुराने हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वो कि जो कि है ए लिटिल एक्स्ट्रा। तो ये भी क्राफ्ट बिज़नेस ही है और अभी मैं यहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी देख रही हूँ इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए। तो इनका जो प्रोडक्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा इनका प्रोडक्ट है क्या वैसे, इनकी वेबसाइट पर जाकर पता चलेगा। पहले इनका अकाउंट चेक कर लेते हैं कि इनका अकाउंट कितना पुराना है। ओके, इन्होंने 2020 में स्टार्ट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो अभी हम इनकी वेबसाइट पर चल के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बेसिकली यहाँ पर इयरिंग वगैरह मिल रही हैं, तो लेडीज़ की चीज़ें ही सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। और प्राइसेस है 450, 400, 450, तो अराउंड 450 मान के चलते हैं, 450 प्राइसेस जो भी हैं, इससे ज़्यादा है कम भी ये लोग सेल करते होंगे। और इनके फॉलोअर बेस हैं 100K, तो ये भी अराउंड 7-10 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं इस टाइम पर। अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि है दिल्ली डूडलर। और ये डूडलर वाला काम मैं देख रही हूँ आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि लोगों को अगर हैंड राइटिंग की अच्छी है तो वो लोग डूडलर बन जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि इनका बिज़नेस कैसा चल रहा है, देखते हैं। पहले देखते हैं इनका अकाउंट कितना पुराना है। तो इन्होंने 2016 में स्टार्ट किया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और इनकी रील्स देखते हैं कि इनके रील्स पर कितने व्यूज़ आते हैं। बहुत ज़्यादा व्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक पे मेरे 28K दिख रहे हैं, तो ऑन एवरेज 10K व्यूज़। ओके, तो इनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा नहीं, 37K ही हैं। तो 37K में इनका कितना बिजनेस होता होगा, लेट्स सी। इनकी वेबसाइट देखते हैं, बट मुझे इनकी वेबसाइट कहीं दिख नहीं रही है, इन्होंने सिर्फ लिंकट्री का ही एक लिंक दिया हुआ है। ओके, तो ये लोग इनका बिजनेस है बेसिकली, मुझे अभी भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा इनका बिजनेस है क्या, कैलीग्राफी है। ओके, तो ये बेसिकली सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रही है। शॉप पर जाकर देख लेते हैं एक बार इनका शॉप क्या है। ओके, तो मुझे यहाँ फाइनली इनका प्रोडक्ट मिल गया है गाइस। तो इनका जो एवरेज प्राइस है वो मुझे दिख रहा है 1300, 149, 1500, 2000 के प्रोडक्ट्स भी हैं। ऑन एन एवरेज मैं 1000 मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ 1500 के प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं, 200 के प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं, तो मैं मानती हूँ 1000 रुपये अगर मैं अज्यूम कर लेती हूँ यहाँ पर। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो 37K हैं, यानी कि ये अराउंड 5 लाख का बिजनेस कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये भी आई थिंक कैलीग्राफी बिजनेस ही है। और हाँ, इनका भी कैलीग्राफी बिजनेस ही है, इनके जो ये भी सर्विस बेस्ड बिजनेस ही आई थिंक कर रही है। मान लेते हैं ये 1 लाख रुपीज़ पर मंथ इनका बिजनेस होगा। ओके, सो नेक्स्ट है द रग बग्स। इनके 44K फॉलोअर्स हैं और इनका अकाउंट कितना पुराना है, लेट्स सी। इनमें उन्होंने अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया 2021 में, तो अभी एक साल ही हुआ है इनके स्टार्ट किए हुए। और इनके 44K फॉलोअर्स हैं, दैट्स गुड। इनके रील्स पर देखते हैं कितना इंगेजमेंट है, 16K, 30K, 31K, 154K, तो मतलब अच्छा खासा इंगेजमेंट है इनके रील्स पर भी। इन्होंने अपनी वेबसाइट नहीं दे रखी है, वरना हम प्राइस कैलकुलेट कर लेते कि इनका कितना एवरेज प्राइस है। तो फिलहाल तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लोग कितने का सेल करते हैं, शायद कैप्शन में लिखा हो।
कि ऐप में मुझे कहीं नहीं दिख रहा इनका प्राइस। गाइस मुझे कैप्शन में भी इनका प्राइस कहीं नहीं दिख रहा है। इन्होंने कैप्शन में एटलीस्ट इनको डालना चाहिए, वरना इनको अलग से डीएम करके पूछना मुझे पड़ता है कि ये प्रोडक्ट कितने का है। खैर कोई बात नहीं, वैसे मैं सोच रही हूँ कि इन सारे बिजनेस को मैं पर्टिकुलरली अप्रोच करूँ मैनुअली लोगों को, और उनके साथ हम इंटरव्यू करें कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और वो लोग कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इससे हमें भी क्लियर हो जाएगा कि वो उस टाइम पे कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ इन सारे बिजनेस को अप्रोच करने का, देखते हैं कितने लोग के साथ हम इंटरव्यू कर पाते हैं। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगा ये वीडियो। हमने अलग अलग करके एक एक बिजनेस पेज को एनालाइज किया और देखा कि वो कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, और आपको इस वीडियो से पता चल गया हो कि आज के टाइम में बिजनेस करना टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है कि आप उसे कर ना सको। ऑफकोर्स आप इसे कर सकते हो, बस आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। और ये वीडियो काफ़ी अलग भी था, बिकॉज मैंने अभी तक किसी को भी यूट्यूब पे ये करते हुए नहीं देखा जो मैंने आज आपको दिखाया इस वीडियो में। सो आई होप कि आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा। सो गाइज अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सबके साथ शेयर करना। अगर आपके फ्रेंड्स से बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।